अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चल जल्दी चल, बारात आ गई है। जरा देखो तो कैसी लगती है हमारी मुंगी शादी के जोड़े में। बहुत सुंदर लग रही हो, देखना आज तो सारंग बेहोश होकर रहेगा। हाँ मुंगी, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम मेरी छोटी बहन हो, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी सी मुंगी अचानक बड़ी हो गई। मुंगी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। किसी की नजर ना लगे। खुड़ियर में तुम्हारी और सारंग की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, हमेशा खुश रखे तुम दोनों को। खुड़ियर में तो है ही बिना, पर उनसे पहले भी एक दर्जा आता है माँ का। मुझे जन्म देने वाली माँ का प्यार कभी नहीं मिला, पर आपने और खेमी बहना ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होनी थी। आज अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बड़ा करने वाला भी मेरी बहनें ही है ना, जिन्होंने मुझे बहनों के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया। आज अगर सारंग के साथ मेरी शादी होने जा रही है, मेरा उसके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो वो भी आपके आशीर्वाद की वजह से। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं होते तो आज मेरी शादी भी नहीं हो रही होती। मजाक कर रही थी, तेल ने तो मैं मिलने से एकदम नई घंटी लाऊंगी। खुश बनती है ना। हाँ, और नाना जी कह रहे थे महेश कुमार के घर पे हर शुक्रवार को शीरा बनता है। मुझे शीरा बहुत पसंद है। क्या बात हुई, मुझे भी तो बताओ। अरे, तेरी संतु बहना की शादी हो रही है। सजनिया ने उठारा जो वे आज छे। ओके ओके, बस बस, अब रोना मत, नहीं तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और फोटोग्राफ्स भी बहुत गंदे आएंगे। ओके, कम ऑन, नाउ स्माइल। अरे चलो, मुझे
बेटा जब दूल्हा और दुल्हन फेरे लेंगे ना तब सब लोग ये फूल उन पर डालेंगे। अच्छा मम्मा, आप दोनों की शादी में भी सबने फूल बरसाए थे? अच्छा मम्मा ये बता, आप दोनों शादी में कैसे लग रहे थे? मेरा मतलब है आप और शशांक पापा। बेटा हम दोनों की शादी तो बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। तुम्हारे डैड बहुत अजीब लग रहे थे, अजीब से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। अजीब सा मतलब? और नहीं तो क्या, तुम्हें याद नहीं तुम कैसे अजीब से लग रहे थे शादी के दिन? कैसा लग रहा था? मैं अच्छे से जानता हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज तुमसे अच्छी तो मैं लग रही थी। अच्छा 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 अच्छा, कॉम्पिटिशन। दिन भर तो तुम अपने आप को आईने में निहार रही थी। तुम्हें सच में याद भी है कि मैं कैसा लग रहा था? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। उसी दिन तो तुम यूएस से इंडिया आए थे और अपने अजीब चेहरे जैसे कपड़े पहने हुए थे तुमने। अच्छी तरह याद है तुम कैसे लग रहे थे। पता नहीं यूएस के कौन से गांव से आए थे तुम? किसी गांव से नहीं, मुंबई से ही लिया। जहाँ से भी खरीदे हो प्लीज अगली बार ऐसे स्टूपिड कपड़े मत पहनना। अरे अगली बार तो मैं शादी ही नहीं करने वाला, एक बार करके थक गया हूँ। देखा यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम हर बात का बतंगड़ बना देते हो, छोटी सी छोटी बात को लेकर बहस करते हो। अरे तुम औरतों की भी यही प्रॉब्लम, तुम लोगों का साथ दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम। अब इसमें मर्द करेगा तो क्या करेगा? आप ना पापा बहुत बहस करते हो। लो हमारी आने वाली पीढ़ी की नारी। अब्बर बधु एक दूसरे को अपना हाथ दें। रात की शादी की कुछ बात ही हो रही बहन जी, है ना? दिन की शादी मुझे पसंद ही नहीं है। रात की शादी में तो कुछ बंधन ही नहीं, जितना मर्जी हो टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। बधु का गठबंधन कीजिए। रुक जाइए भाभी, रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। मुंगी ये तुम क्या कह रही हो? सुन तो पहले। ये सारंग नहीं है, सारंग नहीं है, सारंग।
यमुंगी सारंग नहीं है એટલે શું? हाँ बनीविला ये सारंग नहीं है। छोकरा वो था अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।